अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ आइस कैसे करेंगे गाइस, ये मुझे जो है ना टोकते रहते हैं। अभी मैं अपने ऑडियंस से बात करूँ, अपने व्यूअर से बात करूँ, प्लीज मत टोकिए। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका दिल से वेलकम है मेरे चैनल #QueenShariFaAzgar के चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। गाइस मैं इतनी खुश क्यों हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे एग्जाम्स अब खत्म होने वाले, मतलब सिर्फ 30% ही एग्जाम्स बाकी है 3 स्कूल्स के, बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। तो इसी खुशी में मैं खुश हूँ, मैं बहुत अच्छे से आज सोई। गई पता आपको बेबी के मैं कितने बजे तक सोई? कितने बजे तक? मैं सोई पूरे मैं 11:30 बजे एक बार उठी। मेरे स्टूडेंट का एक कॉल आना था, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था मैं 11:30 बजे जाऊंगी, लेकिन वहाँ नहीं पहुंची मैं, ठीक है ना। हाँ एज यूजुअल आप तो जानते ही हैं, तो मैं दुनिया में भी 17 दिन के बाद आई हूँ, तो मैं कैसे किसी के घर में जल्दी पहुंच सकती हूँ? तो पता है आपको, और आपको पता है, तो मैं इसलिए मैं बहुत अच्छे से हुई माशाल्लाह से, थोड़ी फ्रेश फ्रेश लग रही हूँ ना। हाँ सच्ची में तो मैं, और आज मैं जल्दी भी आ गई। तो मैं भी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बहुत कुछ बहुत कुछ। ये दो लोग जो है ना मेरे बाल के साथ खेलते रहते हैं, एक मेरा बेबी और दूसरी जो मेरी बेटी है अमायरा, आई लव यू अमायरा, वो खेलती रहती है। बताइए क्या मेरे बालों में कुछ है क्या? झबड़ी तो हो रहे। अब बोलिए बेबी क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ माशाल्लाह से ऐसी खुश रहा कीजिए। OMG, और ऐसी मुस्कुराते रहा कीजिए। आज पता है आपको किसका मैसेज आया था? किसका? आज मेरी बात हुई थी अर्शिया से, और बहुत दिनों से बात है। बोल रहे लेकिन वो मेरा ब्लॉग, तो मेरा ब्लॉग देख रही होगी वो। बोल रही है चुड़ैल कहीं की, मैं हमको समझ में नहीं आ रहा तुमको क्या हो गया है। ऐसे बोली चुड़ैल कहीं की, मैं तुमको क्या हो गया है, तुम कब इतना क्यों सोच रही है? बहन इतना सोचने की जरूरत नहीं है, समझे? जब हम लोग दोनों बहनें ऐसे ही बात करते हैं। हाँ तो वो ऐसे हमसे बोलती है और मैं भी उसको बोलती हूँ, बहन ऐसा नहीं होता है, बहन कुछ मत सोचो, बस तुम चुपचाप सिर आगे बढ़ो, किसी को जवाब मत देना। गाइस आज पता है आपको बेबी, मैंने आज बहुत ये वाले गाने को बार बार गाना गाया है किसी के लिए। है तमन्ना हमें तुम्हें फिर से दूल्हा बनाएंगे। अरे नहीं बेबी, आपको पता है फिर से मैंने ऐसे ऐसे गाना गा के खूब ओवर एक्टिंग करी है, और मैंने कहाँ गाना गाया है ये वाला, वो जी मैंने कहा कहीं गाना गाया है, तो वो इंसान जरूर समझ गया होगा कि मैंने कहाँ गाना गाया था। है तमन्ना हमें तुम्हें फिर से दूल्हा बनाएंगे। आज क्या आया है ये, खोलिए, क्या कोई बता सकता है इसके अंदर क्या है? तो पता है आपको, मैं आ रही थी तो मैं ये लेकर आई हूँ। तो बेबी को ये पता नहीं अच्छी लगती है कि नहीं। बेबी ये स्कूल के बाद मिलती है, आपको अच्छी लगती है कि नहीं मिलती है? आउच। ये देखिए इसका नाम है काली चाट। तो हम लोग चलते हैं, इसको खाते हैं थोड़ी देर, फिर काम करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है गाइस, बहुत सारा काम। दो, एक आप खाएंगे और एक हम खाएंगे। तो आप नहीं खाएंगे? एक रहने देते हैं, ठीक रहने दीजिए। गाइस ये पुचका बहुत अच्छा है, 5 रुपए का मिलता है, लेकिन बड़ा यम्मी यम्मी, बड़ा यम्मी है। तो किस किस को ये वाली चाट पसंद है, और जिसको पसंद है वो प्लीज जल्दी से आ जाओ, आ जाइए और खाइए ये मुझे। क्या बोले आएंगे कैसे सर? नहीं आपको पता है, एक हमारी जो व्यूवर्स हैं जो कंटिन्यूसली माशाल्लाह से मेरा व्लॉग देखती हैं दुबई में, तो जब आएंगे आपसे मुलाकात करेंगे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वो बताए कोलकाता को बहुत मिस कर रही हैं, तो ये मैंने उनसे वादा किया है छोटी छोटी चीजें मैं उनके साथ शेयर करूंगी ताकि उनको अच्छा लगे, है ना। तो ये यम्मी सी टेस्ट, सॉरी यम्मी सी चाट भी उन्हीं के लिए। चलिए बेबी आप खाएंगे, बेबी खाते नहीं है इतना, बेबी को इतना कोई खास पसंद नहीं है, बस थोड़ा बहुत खा लेंगे इंशाल्लाह। एक स्पून लेके देखिए, बेबी डजंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन थोड़ा सा खा लेंगे इंशाल्लाह। मुझे तो खाना है, मैं बहुत कम खाती हूँ। यम्मी, वेरी यम्मी, वेरी डिलीशियस। तो आजकल मैं
कभी कभी वंस इन अ वीक खा लेती हूँ, लेकिन मैं इतनी अगर एक हफ्ते में कुछ का खाया तो एक हफ्ते में ये खाती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा टम्मी आउट हो रहा है क्योंकि खाना मैं बहुत स्किप जैसे करती हूँ, दिन भर खाना खाती नहीं हूँ, टाइम नहीं मिल रहा था, अब मैं खाऊंगी इंशाल्लाह। तो मेरे बेबी को तो बहुत प्रॉब्लम हो गई कि तुम्हारा टम्मी इतना बाहर निकल रहा है, इतना बाहर निकल रहा है, क्या करे, कुछ तो बता दीजिए कोई कि क्या करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करते रहते हैं। गाइज हम लोग के खाने की तैयारी माशाल्लाह से हो गई है, चावल पकड़े हैं, सडनली क्या हुआ, एक मिनट बेबी, हम एक मिनट में आ रहे हैं, रुके खोल दिया ना, रुक जाइए। आज हमारे साथ कोई कांड हो गया, बताइए क्या ये कांड क्या है ना, ये रबड़ जो है ना इसकी ये बड़ी हो गई, अब अम्मी लोग तो जल्दी सो जाते हैं, तो देखिए मैंने इसको, ओह ये हो गया ऑलमोस्ट, ओह सॉरी सॉरी, देखिए हमने आज खुले कुकर में ही बनाया है इसको और ये पक गया, बस इसको अब हम बंद कर देते हैं, जैसा पक्का अल्लाह के नाम पे, लग तो रहा है पक गया, हाँ नहीं नहीं बस बंद कर दे रहे, और यहाँ बेबी ने कहा है कि घर पे एक चूहा आ गया है, अब बस मुझे खलबली मच गई कि इसमें मेरा एक सामान है कहीं उस पर चूहा निकल गया, बेबी वो निकालिए मारे, सारी दुनिया तो सो गई, कपड़े सब धो के डाले हम सब सुखा सूख गए, हाँ बस वो वाला बैग जो है ना, अरे यार यहाँ पे बेबी हम लोग बाद में निकाल के देखेंगे ना, इसमें पता चला कि हम लोग के वहां पर एक चूहा आया था जो कि बेबी ने कहा है, पता नहीं, ठीक है इसको बाद में खोलते हैं, हाँ मिल्टन का जो है उसके अंदर खोलिए क्या है, लेके जाएंगे वो टिफिन बॉक्स से, वो उसके बारे में बात कर रहे थे, हाँ वो टिफिन बॉक्स से ऑफिस इसको ले जा सकते, लेकिन ये ना बहुत छोटा तो खाली ले जाके क्या करेंगे, हाँ खाना ही लेके जाना है, खाना ही लेके जाना है, खोलिए डबल डेकर खोलिए, एक मिनट रुके एक मिनट रुके, अल्लाह अकबर, हम लोग कुछ सामान ढूंढते ढूंढते पता नहीं कुछ और ही निकल जाता है, हमेशा ऐसा होता है कि आपके साथ भी होता है, ये देखिए इतना इतना सा डिब्बी है, हाँ तो क्या है, एक तो में सब्जी रहेगा, एक तो में सब्जी रहेगा, क्या रहेगी एक में, एक में सब्जी रहेगा, एक में सब्जी रहेगा, एक में रोटी रहेगा, हो गया, आहिस्ता बोलिएगा नहीं तो क्या, ये है रोटी का, हाँ, ये रोटी का है, ये राइस है, कुछ भी कर सकते हैं, हाँ रोटी राइस ठीक है, नूडल्स है सकते, ठीक है निकालिए, लेकिन रमजान आ रहा, रमजान में कौन सा खा सकते हैं, हाँ ठीक है काम करते हैं ना बेबी, तो रमजान के लिए निकाल लेते हैं, ये वाला क्या है, ये ओवन में डाल सकते हैं इसको, ओवन में गर्म होता है, ये होता है ना, ठीक है तो आप इसको ले जाए, ऐसे भी आप तो वही इंशाल्लाह रोजा अफ्तारेंगे ना, और इसमें इस देखिए दो स्पून भी दिया है, वाह अच्छा है ना, ओके स्पून अच्छा है ना, ये हमारी अम्मा ने दी, ये हमारे जहेज का है, जहेज बोलते हैं, हाँ हाँ जहेज ही तो बोलते हैं, अम्मा की तरफ से जो मिलता है, अम्मी जान की तरफ से वो जहेज होता है ना, हाँ इसको अभी निकालिएगा या संडे निकालिएगा, संडे 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 तो संडे अगर आपको निकालवाना है तो अभी रख दीजिए, हाँ उसको एक काम करिए ना, वो ये जो है ये वाले को उधर रख दीजिए, बराबर से रख दीजिए, गाइस इसमें मेरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अभी खाना खा के खोलती हूँ फिर मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी, मुझे एक तो चूहा भी आ गया और दूसरे एक बात और हमको पता चली है कि इसके अंदर जो सामान है जो वो उसको ऐसे बंद करके रखने से खराब हो जाता है, तो इसलिए मुझे खोलना पड़ेगा, तो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, आइए बेबी पहले खाना खा लेते हैं, आ जाइए, अल्लाह से बन गए हैं हमारे मसाले वाले चावल, बस मैंने इसमें चिकन को ऐड कर दिया है, आइए ठीक है बचा लिया, जैसे कुकर ने इसने धोखा दिया था लेकिन अल्लाह ने बचा लिया, फटाफट पर
तो गाइस आइए, बिस्मिल्लाह करिए और बेबी खा के बताइए कैसा बना है। जल्दी से बताइएगा बेबी जरूर कि मुझे जरूर। खाना वाना पकाना आता है कि नहीं आता आपकी बीवी को, जल्दी बताइए बेबी। ये आदत हमको, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली आदत कि बेबी एकदम सुन्नत तरीके से बैठते, माशाल्लाह से खाते, माँ सद के जाऊं मैं, बहुत अच्छा बना चुके। पक्की बात। गल भी अच्छा है, हाँ गला भी अच्छा है, एकदम लेवल में। एकदम लेवल में ना, अल्लाह ताला ने बचा लिया बेबी, एकदम है ना। वही तो, वरना को ऐसे सही। तुमको अंदाजा भी नहीं था, माशाल्लाह से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो गाइज आप लोग भी आइए मेरे साथ खाना खाइए। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी थी इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, और मुझे ये काम भी करना था, मुझे डर लग रहा था सच्ची में। जैसे सर में जुई हो जाती है ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, एक अगर मेरे सर में जुई चढ़ गई ना तो मेरा दिमाग एकदम खराब हो जाता है जब तक मैं उसको निकालू ना। ठीक इसी तरह मुझे जब जैसे पता चला बेबी ने बताया कि एक चूहा आ गया, असल मैं दरवाजा खोल के रखना चाहती थी लेकिन बेबी ने बोला नहीं, घर में बाहर में छुचंदर और चूहा घूम रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा तो अभी मिलते हैं जल्दी से थोड़ी देर में आपसे। तो गाइस आप लोग बता पाएंगे कि इसके अंदर है क्या, इस वीआईपी के डिप बॉक्स के अंदर वजह से मैं भी, आप बता पाएंगे इसके अंदर क्या है। नहीं, हाँ अभी तक तो कोई आइडिया नहीं। ऐसा कुछ क्या है? कपड़ा होगा। और क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वेलरी रखते हैं, है ना। सही बात है। लेकिन आपको पता है इसमें 80% हम गारंटी दे रहे हैं, इसमें वो लोग ये चीज छुपा के नहीं रखते जो मैंने छुपा के रखी थी। तो चलते हैं, आइए जल्दी से और देखते हैं इसके अंदर क्या है। आ जाइए, आ गई। 1 2 1 2 3। वाह, सिर्फ स्लीपर्स और शूज? ये भंडार जो है इसमें है इतनी ढेर सारी मेरी स्लीपर्स। तो क्या आप लोग देखना चाहते हैं? देखिए गाइस इतनी ढेर सारी मेरी स्लीपर्स है, और ये सब मैंने खरीदी थी। ये मेरी फेवरेट जगह की है, बेबी देखी। ये अच्छा, ये बेबी अच्छा हुआ देख लिए। देखिए इधर लाइए, इसके अंदर क्या कीड़ा है ना। तो लग रहा है। अच्छा हुआ देख लिए बेबी, इसको साफ करते हैं, है ना। ये जो है ना, एक काम करते हैं, इसको हम उससे वाइप से पोंछ देते हैं, है ना, वाइप से ही। मेरे एक स्टूडेंट की मम्मी ने मुझे बताया था कि मैम स्लीपर्स को ज्यादा दिन तक मतलब बॉक्स में या बक्से में मत रखिएगा क्योंकि वो उसका सोल जो है वो खराब हो जाता है। लेकिन इससे पहले हमको ये आइडिया सच्ची में नहीं था, तो थैंक यू बोलना चाहते हैं उनको। बेबी ऐसा होता है क्या? जी बेशक, एकदम सही बात है। हाँ, तो मुझे नहीं पता था। तो मैं स्लीपर्स को अभी, यूज कीजिएगा तो ठीक रहेगा। स्लीपर्स है, शूज है। हाँ तो मुझे नहीं पता थी। तो चलिए गाइस, मैंने सोचा मैं थोड़ी देर मतलब रात भर आज इसको इसको इसकी जगह खोल के रख देती हूँ, देख ताकि इसका सोल खराब ना हो। ये देखिए, हाँ खोल दीजिए बेटी। भैया बोलने जाना कि ये इतनी अच्छी है, बढ़िया पहनिएगा। देखिए बेबी एक ये स्लीपर है, कैसी वाह, लग ये रही तो है? बहुत अच्छा स्लीपर है। आपको अच्छी लग रही है? पसंद है? हाँ सब मेरी पसंद, ऑब्वियस है। ये मैं एक बार पहनी थी नहीं। बेबी, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा, मैं किसी की शादी में ये वाले पहनी थी लेकिन फिर मैं उतार दी थी। ये मैंने क्यों लिया था ना, इसका ये मुझे नीचे का बहुत जबरदस्त लग रहा था। हाँ देखा बेबी आपने, ये वाली वाह, बहुत कंफर्टेबल है। ये इसकी देखिए हील क्या लग रहा, देखिए, कंफर्टेबल है, है ना। अच्छा भी है, हल्का भी है। हल्की भी है, हाँ हल्की है बेबी। देखिए कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना बेबी। ओ ब्यूटीफुल, देखिए बेबी कैसी लग रही है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये मेरी कासा की है, ये देखिए बेबी।
बेबी आपने ये क्या किया? स्लीपर्स निकल रहे थे ना। ये देखिए बेबी, ये कासा की स्लीपर्स है, पता है आपको? बहुत बढ़िया कासा बहुत अच्छा ब्रांड भी है, बहुत मतलब अच्छी इसकी स्लीपर रहती है, बहुत खूबसूरत है। देखिए 1 2 3 4 5 एंड ये 6 ये भी तो कंफर्टेबल है, ये तो डेली यूज के लिए निकाल सकते हैं। ये अभी हम निकाल लेंगे, ये वाली जो है अभी हम निकाल लेंगे। देखिए ना ऐसे मोड़ मोड़ के बेबी, इसलिए हम सोच रहे थे ना एक रैक रख लेंगे ना, तो उसमें स्लीपर सारे रखेंगे, है ना? क्या बोलते हैं? सही बात। ये हुई मेरी 6 और ये है हमारी 7th। ये भी बहुत अच्छा, ये कोई ड्रेस के साथ मैचिंग है क्या? हाँ, ये हमने क्या नाम है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा लहंगा के साथ मेरी थी। और एक्चुअली मेरे पास मालूम है बेबी कितने स्लीपर थे, 10 नहीं 10 10 ये 11 स्लीपर थी ना बेबी, 11 थी शायद। इसको देखिए ना बेबी, इसका पीछे से वर्क देख रहे हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है ना। सी अब इसको हम लोग रात भर इसको ऐसे ही रख देते हैं ना बेबी, ताकि ये थोड़ा सा हवा इसको मिले, ताकि इसकी नमी खत्म हो जाए। पहन के वॉक भी कर लीजिएगा सबको। अरे सबसे ज्यादा तो बेबी ये अभी नहीं 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 वॉक कैसे करेंगे हमको, तो सबसे ज्यादा अच्छा इससे आराम से पकड़ लीजिए। क्या मतलब है? माशाल्लाह वेरी गुड। कैसी लग रही है? बहुत अच्छा। नाइस। चल पाएंगे ना बेबी इसके? हाँ अभी तो वॉक करिए। हाँ ये वाली मैं सबको देखना था, बट मैं ऐसा नहीं ट्राई करूंगी, मैं इसकी बाद में इसको ट्राई करूंगी, है ना बेबी, क्योंकि मुझे ब्लॉग एड करना है। सही है, वेरी गुड। तो गाइस आप लोग जरूर मुझे बताइएगा, आप लोगों को इनमें से कोई सी चप्पल अच्छी लगी कि नहीं लगी। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है वाली, देखिए बेबी 1 2 देखिए, एक मिनट देखिए, और ये बहुत सॉफ्ट भी है, बहुत क्यूट है ना, अच्छी लग रही है ना माशाल्लाह से, बहुत अच्छा। सी आपके ऊपर तो और अच्छा लग रहा है, मेरे ऊपर अच्छी लग रही है ना, ऐसे में स्टाइल मारूंगी, है ना, स्टाइल करके चाहिए। लेकिन मतलब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो बेबी आपको मेरी सबसे अच्छी चप्पल कौन सी लगी, कौन सी वाली सबसे अच्छी लगी, कौन सी बताइए? सबसे अच्छा क्या है इसमें, सभी तो अच्छा है। नहीं सबसे अच्छी, यही बुरी बात है गाइस, मेरे शोहर मेरे मियाँ जी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे सबसे जो मेरी फेवरेट इसमें से चप्पल है वो ये है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, और एंड डेफिनेटली ये मेरे पैर पे भी बहुत प्यारी लगेगी, और एज वेल एज दिस स्लीपर ऑल्सो आई रियली रियली लाइक दिस, तो ये भी मेरे पैर पे अच्छी लगेगी। और ये मुझे नहीं पता मैं कैसे पहनूंगी, बेबी तो बोल रही अच्छी लग रही, तो आप लोग जरूर बताइएगा। वैसे तो सारी स्लीपर्स अच्छी है, लेकिन सबसे बेस्ट मैंने अपना बताया, आप लोग जरूर बताना आपको कौन सी अच्छी लगी। तो गाइज आज का अपना व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, एंड प्लीज जाके इस सब्सक्राइब कर दिए, आपका एक सब्सक्राइब जो है ना मुझे 1K तक पहुंचा देगा। प्लीज गाइस, प्लीज फ्रेंड्स, मुझे 1K करा दीजिए मेरा किसी भी तरह से, प्लीज, और बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।